गढ़वा जिले के गढ़वा से मझियाओं जाने वाले ये NH-75 है, मेन मार्ग है। यहाँ पर रोड का भी काम जारी है और अभी बारिश की वजह से यह स्थिति हो गया है कि यहाँ बाइक ट्रक बलेरो के आना जाना मुश्किल हो गया है। तो आइए यहाँ पर कुछ व्यक्तियों से जानकारी लेते हैं क्या स्थिति है। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? हम भी गढ़वा से आ रहे हैं। गढ़वा से आ रहे हैं, हाँ। क्या स्थिति यहाँ का जो रोड है अभी बारिश की वजह से? पूरा स्थिति एकदम जर्जर स्थिति हो गया है। बाइक एकदम मतलब अपना अनकंट्रोल हो गया है, हम चला नहीं रहे हैं, बाइक हमको चला रहा है। जिधर बाइक जा रहा है उधर ही हमको जाना पड़ रहा है, हमारे अनुसार बाइक नहीं चल रहा है। तो ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा दिक्कत है इससे गढ़वा? अटौला, अटौला से अटौला के बाद पूरा हमको लगता है मझियाओं तक यही स्थिति है। इसमें कैसे लोग जाएंगे, कैसे होगा? चार चक्का तो किसी तरह चला जा रहा है लेकिन दो चक्का के लिए एकदम मतलब मर्तब है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार पाल। आप यहाँ के पदाधिकारी और परिवहन विभाग और यहाँ झारखंड सरकार से क्या कहेंगे इस रोड के विषय में? परिवहन विभाग से हम यही कहना चाहते हैं कि वो तो मौसम विभाग तो पहले ही बता चुका था कि 17 और 18 तारीख को जो गुजरात में तूफान आया है उसका असर झारखंड में भी रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन मौसम विभाग एक हफ्ता पहले दे चुका था। उसके अनुसार भी यहाँ के परिवहन विभाग सोए रहा, जिसका भुगतान आज आम जनता कर रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम पटना से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? ये मझियाँ जाएँ। और इस रोड में बाइक कैसे चला रहे हैं आप? अरे बहुत खराब हालत है। आप इस परिवहन विभाग को क्या कहेंगे इस रोड के विषय में, इस पर गट्टी मोड़? कहें कि जल्दी जल्दी काम चलाएं, कम से कम काम जल्दी जल्दी हो जाए। बाइक चलाने में बहुत दिक्कत, परेशानी हो रही है। बहुत दिक्कत। क्या नाम हुआ आपका? खुशदिल अंसारी।